अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्राम, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए दोस्तों कन्फर्म प्लेइंग 11 आ गया। जी हां दोस्तों, आपको बता चलें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में मोहसिन नकवी ने दोस्तों पूरी टीम का ऐलान कर दिया। दोस्तों आपको बता चलें कि कन्फर्म प्लेइंग 11 का होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोस्तों आपको बताने से पहले मेरे हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दें, और बेल के आइकन को दबाना तो ना ही भूलिएगा। नाज़रीन ग्राम, आपको बता चलें कि पाकिस्तान का पहले टी20 मैच के लिए दोस्तों प्लेइंग 11 आ गया है। आपको यह भी पता चले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला टी20 मैच 18 अप्रैल को जो है ना पिंडी में होने वाला है, वो भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि कौन सा वो कन्फर्म प्लेइंग 11 पाकिस्तान का होने वाला है। तो दोस्तों नंबर पहले की बात करें तो कप्तान बाबर आजम, दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद रिजवान, तीसरे नंबर की बात करें तो साइम अयूब, चौथे नंबर की बात करें तो दोस्तों हार्ड हिटर उस्मान खान, पांचवें नंबर की बात करें तो दोस्तों चाचा इफ्तखार अहमद, छठे नंबर की बात करें तो दोस्तों इमाद वसीम, सातवें नंबर की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद आमिर, आठवें नंबर की बात करें तो स्पिनर उसामा मीर, और नवें नंबर की बात करें तो सलमान अली आगा, दसवें नंबर की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी, और दोस्तों ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मोहम्मद आमिर। जी दोस्तों, ये कन्फर्म प्लेइंग 11 पाकिस्तान का पहले टी20 मैच के लिए मोहसिन नकवी ने तैयार कर दिया है। दोस्तों आप ये बताएं कि कौन सी कमी रह गई और कौन से खिलाड़ी को अभी इस प्लेइंग 11 में शामिल करना था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन को। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट में राय जरूर दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये स्क्वाड, ये प्लेइंग 11 कैसा रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे देना ना भूलिएगा।